Hello and good morning everyone, good morning India, good morning all of you. This is Achal Singh and you are doing the session of Noun Based Errors today on Wi-Fi Study Studios channel, India's number one channel, जहाँ पे हम करते हैं हर रोज किसी ना किसी नए टॉपिक पे डिस्कशन और आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लेके आते हैं हर दिन मॉक टेस्ट, बहुत सारे क्वेश्चन, मल्टीपल पैटर्न्स के क्वेश्चन, ताकि आपको मिल सके सक्सेस अपने एग्जाम में. सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. आज के दिन की शुरुआत हमारी होने वाली है नाउन बेस्ड एरर से. जैसा कि हम सबको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर ग्रामर, जब हम ग्रामर की बात करते हैं, राइट, जब हम ग्रामर पढ़ने की बात करते हैं, तो ग्रामर का रूट जो होता है वो बिल्कुल शुरू होता है नाउन से. बिना नाउन के हम आगे बढ़ते ही नहीं है. हमेशा पहले हम नाउन पढ़ते हैं, प्रोनाउन पढ़ते हैं, उसके बाद बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच वन बाय वन हम कवर करते हैं, राइट. सो नाउन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज हमारे सब्जेक्ट नाउन से आते हैं. हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है ये नाउन से पता चलते हैं. हमारे सब्जेक्ट्स का काम क्या है ये नाउन से पता चलता है. हमारे सब्जेक्ट पर्सन है या नहीं है ये भी नाउन से पता चलता है. सो नाउन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन पार्ट्स ऑफ स्पीच, इजंट इट, राइट. सो लेट्स डिस्कस नाउन टुडे, लेट्स हैव सेशन ऑन नाउन टुडे एंड लेट्स सॉल्व द एरर्स व्हिच इज बेस्ड ऑन नाउन टुडे, राइट. Before we begin, I would like to tell you a certain things about noun. That what is noun? I'll just do a very short and quick recap for you so that you don't face any problem while answering these questions, right? What is a noun? How do I identify a noun? Noun is a naming word. जिन लोग भी इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं या जो बिगनर हैं, बहुत ध्यान से देखिए. आप लोगों को noun समझने में आसानी हो जाएगी और noun के questions आप within fraction of seconds solve कर लेंगे, right? बस आपको बने रहना है Wi-Fi Study Studios पे आंचल मैम के साथ, ताकि आप कर सके अपने एग्जाम की तैयारी पूरी. Noun एक naming word होता है. Noun के कितने kinds होते हैं भाई? Noun के 5 kinds होते हैं. क्या क्या? Proper, common, proper noun, common noun, collective noun, material noun, an abstract noun. Proper noun, any particular name of a person, place, animal, thing. Common noun, anything, any name used in common, like boy, girl, country, city, etc. Collective, group of anything is called collective noun. Material, anything which can make a substance, jisse koi bhi substance bane, is known as material noun. Abstract, things which are intangible, which cannot be seen or touched, but can be felt. For example, honesty, kindness, cruelty, all these things, okay? Ab noun, इन कैटेगरीज में दो कैटेगरीज और आती हैं. क्या क्या कैटेगरीज है भाई? वो कैटेगरीज है वो काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं. इसके अलावा इनके दो नंबर्स होते हैं, नाउन नंबर्स होते हैं. नाउन नंबर्स क्या होते हैं? नाउन नंबर्स, ये सारा खेल एरर डिटेक्शन का इसी पे बेस्ड होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमेशा याद रखिए. नाउन नंबर्स क्या होते हैं? सिंगुलर एंड प्लूरल. नाउन सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करता है. अगर कोई एक्सेप्शन केस है, देन केस दूसरा बदल जाता है, रूल चेंज हो जाता है. और साथ ही जब नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल के अकॉर्डिंग लगते हैं, राइट. नाउन नंबर्स क्या क्या होते हैं? नाउन सिंगुलर, नाउन प्लूरल. नाउन जेंडर क्या क्या होते हैं? हम सभी को दो जेंडर्स तो बहुत अच्छे से पता है, मैस्कुलिन, फेमिनिन. कॉमन जेंडर भी होते हैं, न्यूट्रल जेंडर भी होते हैं. कॉमन जेंडर आर यूज फॉर पीपल यूज कॉमन, डॉक्टर, टीचर, एजुकेटर, स्टूडेंट, एस्पिरेंट, ऑर्फन, ऑल दीज थिंग्स. न्यूट्रल इज यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, राइट. न्यूट्रल किसके लिए यूज करते हैं हम? न्यूट्रल हम यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए. अब इसके बाद आते हैं नाउन के केसेस. अब नाउन के केसेस क्या है? जब नाउन सब्जेक्ट की तरह बिहेव करे तो इट इज नोन एज नॉमिनेटिव केस. जब नाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज करे इट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस. और जब नाउन पोजेशन दिखाए, ओनरशिप दिखाए, तब नाउन यूज होते हैं कैसे? पोजेसिव केस. इन सभी के रूल्स हमने ऑलरेडी किए हुए सेशंस में, आप उन सेशंस को जाके देखिए और उन रूल्स को डिस्कस कीजिए. ध्यान दीजिए कि क्या रूल्स हैं, ताकि आपके नाउन की चैप्टर हो सके कम्प्लीट. ये दे दिया मैंने आपको एक वेरी क्विक एंड ब्रीफ सिनॉप्सिस अबाउट नाउन. अब स्टार्ट करते हैं हम नाउन के एरर्स को. नाउन के एरर्स स्टार्ट करने के पहले कुछ चीजें आपको डिटेल में बता देती हूँ.
सबसे पहले आपको मुझे अनअकैडमी ऐप फॉलो करना है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आपको मेरे नाम को टाइप करना है, विच इज ANCHALSING और नाम टाइप करके आपको फॉलो बटन पे क्लिक करना है। अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन बाय करना चाहते हैं, आई विल सजेस्ट गो फॉर अ सब्सक्रिप्शन, डू द बैचेस, डू द क्लासेस ऑफ ऑल द फैकल्टीज ऑफ ऑल द एजुकेटर्स हु आर टीचिंग यू ऑन अकेडमी, वेदर इट बी मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स। इंग्लिश के लिए आपकी आंची मैम ऑलरेडी अवेलेबल है, जिनको आप फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे, राइट। बट गो एंड जॉइन दिस एन लाइफ टाइप करिए, एन लाइफ टाइप करके 10% इंस्टेंट डिस्काउंट अवेल कीजिए और पूरे 12 मंथ्स के या 24 मंथ्स के कोर्स बाय कीजिए ओनली इन रुपीज, इफ इट इज 6000 इट बिकम्स 5400, ओनली इन 5400, राइट। आप किसी भी इंस्टीट्यूट या ऑफलाइन क्लासेस में अगर क्लास करते हैं तो वहां पे आप जाके फीस जमा करते हैं, फीस के लिए एक ड्यूरेशन होता है, 3 महीनों में आपकी बैच खत्म हो जाती है। बट यहाँ पे यू हैव एन अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन गो एंड वॉच मिलियंस ऑफ फैकल्टीज, यू कैन सी हंड्रेड ऑफ एजुकेटर्स एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट। अगर आपको एक से नहीं समझ आता, आप दूसरे से समझ सकते हैं, दूसरे से नहीं आता तीसरे से, कोई टॉपिक स्पेसिफिकली कोई फैकल्टी अगर आपको पढ़ाते हैं आप उनसे पढ़ सकते हैं, राइट। मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, सबकी क्लासेस आपको अलग अलग मिल रही है और अलग अलग फैकल्टीज ले रहे हैं, आप उन बैचेस को ज्वाइन करके क्लासेस कर सकते हैं। आपको उसके लिए सिर्फ क्या करना है, ए एन लाइफ कोड यूज करना है और अपना सब्सक्रिप्शन बाय करना है, ओके। एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग अपने रेजीम को, रोज के स्केड्यूल को। मंडे टू फ्राइडे हम मिलते हैं 6:30 to 7 AM, जो कि दिन सुबह के 6:30 बज रहे हैं, कहाँ पे, वाई फाई स्टडी स्टूडियोज पे, जो कि है एक यूट्यूब चैनल। 10 AM to 11 AM हम मिलते हैं वाई फाई, हम मिलते हैं अनअकैडमी पे, जहाँ पे होती है हमारी प्लस क्लासेस। इसके लिए आपको ये कोड यूज करना है और सब्सक्रिप्शन बाय करना है। 11:30 to 1:30 हमारी होती है अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास, हर रोज हर दिन, कितने बजे से कितने बजे तक, 11:30 से 1:30 बजे तक, ये है बिल्कुल फ्री। इस क्लास के लिए नो सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड, नो मनी रिक्वायर्ड, नो एक्स्ट्रा एफर्ट रिक्वायर्ड, यू जस्ट हैव टू कम एंड ज्वाइन द सेशन। 2 PM to 3 PM वाई फाई स्टडी बैंक एग्जाम पे हम जुड़ते हैं, यहाँ पे हम करते हैं बैंक एग्जाम की तैयारी। अगर आप सिर्फ बैंक के एस्पिरेंट है तो आपको इस चैनल से जरूर जुड़ना चाहिए, इस चैनल की क्लासेस को जरूर देखने चाहिए। साथ ही महीने के हर हफ्ते के दो दिन, महीने के 4 हफ्ते, हर हफ्ते के 2 दिन, थर्सडे फ्राइडे में आती हूँ आपके साथ, आपकी वोकैब गुरु बन के 10:30 to 11 AM जस्ट इंग्लिश चैनल पे, आप मेरे साथ जस्ट इंग्लिश चैनल पे जुड़ सकते हैं और अपनी वोकैबुलरी एनहांस कर सकते हैं, राइट। चलिए लेट्स बिगिन विद द सेशन टुडे। और जैसा कि इंस्ट्रक्शन लिखा है, ABCD में आपके एरर्स होंगे, आपको देखना है एरर किस पार्ट में है। अगर किसी पार्ट में एरर ना दिखे तो आप ई एरर मार्क कर सकते हो, विच मीन्स नो एरर। ऑर्डर हैज बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बट ही हैज नॉट रिसीव्ड देम सो फार, नो एरर। अच्छा, ऑर्डर हैज बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर, ऑर्डर इशू कर दिया गया है उनके ट्रांसफर के लिए ताकि वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं, बट ही हैज नॉट रिसीव्ड देम सो फार, लेकिन उन्हें वो ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ है। अब देखिए, जब कभी भी किसी का ट्रांसफर होता है तो ऑर्डर होता है, राइट, ऑर्डर दिया जाता है, तो ऑर्डर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं देता, इट कम्स फ्रॉम अ पैरामीटर, फ्रॉम अ प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है ना। और जब हम नाउन के चैप्टर्स कर रहे हैं, नाउन बेस्ड एरर कर रहे हैं, तो हम नाउन में ही एरर्स ढूंढेंगे, सिर्फ और सिर्फ नाउन में ही एरर्स ढूंढेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो एरर है वो है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, ऑर्डर मतलब किसी को ऑर्डर देना, राइट। जब हम ऑर्डर वर्ड का यूज करते हैं मतलब हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, डेफिनेटली दे रहे हैं, बट जब आप ऑफिशियली इस टर्म को यूज करते हैं तो ऑलवेज यूज ऑर्डर्स, जिससे ये पता चले कि ये प्रोटोकॉल से आ रहा है और ये प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है फॉर दिस एंड दिस पर्पस, ओके। सो ऑर्डर्स हैव बीन इशूड विल बी द करेक्ट आंसर इन प्लेस ऑफ ऑर्डर हैज बीन इशूड, ओके। सो द एरर लाइज इन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्दो शी हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, शी इज येट टू लर्न द अल्फाबेट्स, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। नाउन के चैप्टर में नाउन के ही एरर्स मिलने हैं, तो आपको देखना है और बताना है नाउन के एरर्स कहाँ है।
चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और ढेर सारा प्यार देते हुए सेशन को भी लाइक करें और सेशन को भी शेयर करें। चलिए तो देखते हैं क्या होना चाहिए, हम क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी से, अल्फाबेट या फिर हम बोलते हैं अल्फाबेट, विच इज द करेक्ट यूज्ड वर्ड। Although she has studied English for almost a year, she is yet to learn the alphabet. Not alphabets. Okay, it is always alphabet and not alphabets. The error is in option number C. देखिए, जो चीजें बोलने में अच्छी लगती है, बोलने में आसान लगती है ना, वो चीजों उन चीजों में हमेशा सोचिएगा एरर है। अब अल्फाबेट्स बोलने में तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत आसान, बहुत ईजी, एकदम फ्लो में जा रहा है अल्फाबेट्स, तो करेक्ट है लगेगा, बट ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट है ना। तो जो चीजें लगे आपको फ्लो में सही जा रही है तो एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा, माइन्यूटली क्रिटिकली एनालाइज जरूर कीजिएगा, क्या ये गलत है, क्या ये सही है, व्हाट इज इट बिहाइंड। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर टू स्कोर्स ऑफ बुक व्हिच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी, नो एरर, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए, सब एक रूल और यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, देयर या फिर हेयर, जब भी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, जब भी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले क्या आते हैं, सबसे पहले हमेशा आते हैं वर्ब, राइट, और वर्ब के बाद हमेशा क्या आएंगे, वर्ब के बाद हमेशा आते हैं नाउन, प्रनाउन या फिर हमारे सब्जेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है, हमारे सब्जेक्ट आएंगे आफ्टर दिस, दैट मीन्स कि इसके बाद आपके सेंटेंस में जो भी लिखा होगा वो सेंटेंस में क्या होगा, उस सेंटेंस में आपको देखना है कि एरर कहाँ है, क्या सब्जेक्ट में एरर है, अगर सब्जेक्ट में एरर नहीं है तो फिर क्यों, तब कहाँ पे एरर है, और क्या ये नो एरर सेंटेंस है। सो चलिए मैं आपको बताती हूँ इस क्वेश्चन में एरर कहाँ है। देयर आर टू स्कोर्स ऑफ द बुक्स ठीक है, दो स्कोर्स हैं बुक्स के, तो बुक्स इज यूज्ड करेक्टली, बट टू के साथ यहाँ पे हमें क्या लगाने की जरूरत है, हमें लगाने की जरूरत है टू स्कोर ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी, मतलब दो था, राइट, ऑप्शन नंबर ए हैज एन एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिस्चीफ्स इफ दे हैव नथिंग टू डू, No error. What will be the correct answer? क्या हम mischiefs बोलते हैं कभी भी? Mischiefs हो सकता है, लेकिन क्या हम बोलते हैं mischiefs या mischiefs? Children are prone to making mischief, right? Mischief का मतलब क्या होता है? Mischief का मतलब होता है, कुछ words ऐसे होते हैं जिनके साथ हमें plural s लगाने की जरूरत नहीं है उन्हें plural बनाने के लिए, तो कभी ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जैसे कि मिस्चीफ, मिस्चीफ का मतलब क्या होता है, बदमाशी करना, है ना। अब उसको हम काउंटेबल तो नहीं बना सकते, काउंटेबल या अनकाउंटेबल तो नहीं बना सकते, सिमिलरली उसको हम नंबर फॉर्म में नहीं डालते, ना प्लूरल ना सिंगुलर, सो द एरर लाइज इन ऑप्शन नंबर बी, इट विल ओनली बी मिस्चीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड इन द हिल्स, no error, what is the correct answer, do we say sheep again or do we say sheep, what do we say, sheep are economically useful and so they are reared in the hills, no error, the error lies in option number A, the correct answer is sheep and not sheep, right. Next question, I have not gone through the letter and so I am not aware of its content, right? I have not gone through the letter, there's one particular letter, so I am not aware of its, देखिए जब noun के error है हम सिर्फ noun पे ध्यान देंगे कि noun में कहाँ पे error है, right? जो भी verb लगे हुए हैं वो noun के हिसाब से change हो सकते हैं later on, but पहले हमें देखना है कि क्या noun में error है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट्स कंटेंट, तो क्या सिर्फ एक ही कंटेंट होगा, क्या कुछ लिखा जाता है जब लेटर लिखा जाता है तो उसमें एक ही टॉपिक होता है, ओनली वन टॉपिक और वन कंटेंट, इज इट रेस्ट्रिक्टेड,
नो इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड राइट. सो यहाँ पे हम कंटेंट की जगह पे क्या लिखेंगे, ऑफिस कंटेंट्स. द एरर लाइज इन ऑप्शन नंबर सी. आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि नाउन एरर्स कैसे फाइंड करने हैं क्वेश्चंस में, राइट. आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मेनी वर्क्स टू कंप्लीट विद इन अलॉटेड टाइम. ठीक है. सो आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव अगेन मेनी वर्क्स. वर्क इज वर्क और वर्क्स, व्हाट एवर यू से. ठीक है, हम वर्क बोलते हैं, वर्क्स नहीं बोलते है ना, हम काम बोलते हैं. काम बोलते हैं, कामों तो नहीं बोलते हैं, बहुत सारे काम वो तो नहीं बोलते, कामों नहीं होता है. अब जब हम काम बोलते हैं तो हम इसको इंग्लिश में भी वर्क बोलते हैं, है ना. क्या ये वर्क काउंटेबल है, क्या ये वर्क काउंटेबल. आई एम गोइंग टू डू माय वर्क इज, कैन यू काउंट एंड टेल मी हाउ मेनी वर्क. यू कांट काउंट एंड टेल मी, राइट, विच मीन्स इट इज नॉट काउंटेबल, इट इज अनकाउंटेबल. इट इज अनकाउंटेबल. अनकाउंटेबल के साथ लगने वाले जो एडजेक्टिव होंगे वो क्या होंगे, मच वर्क, काफी सारा काम, क्वांटिटी क्वांटिफाई करेंगे. आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मच वर्क टू कंप्लीट विद इन द अलॉटेड टाइम एंड द एरर लाइज इन ऑप्शन नंबर बी. यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स. इफ यू आर सक्सीड इन लाइफ यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स. अपने शब्दों से हमेशा सच होना चाहिए, शब्दों में हमेशा सच होना चाहिए, राइट. If you are to succeed in life, what will be the correct answer? If you are to succeed in life, success तो नहीं होगा, succeed ही होगा, right? तो अगर आप जिंदगी में success पाना चाहते हैं तो अपने शब्दों से आपको क्या होना चाहिए, सच होना चाहिए. अपने शब्दों में सच्चाई, आपके शब्दों में सच्चाई होनी चाहिए. तो to your words will be the correct answer or to your word will be the correct answer. Your word या फिर your words. When I use word or words, words हम generalized form में use कर सकते हैं, but जब हमारे साथ pronoun लगा हो word के साथ, which is this pronoun, and then अगर ये आपके लिए use कर रहे हैं conditionally, तब हम हमेशा क्या use करेंगे, singular noun का use करेंगे. You should always be true to your word. अपने शब्द में हमेशा सच्चाई होनी चाहिए, आपके शब्द में हमेशा सच्चाई होनी चाहिए, ताकि आप life में success पा सकें. So the error lies again in option number B. Okay. It is a pity that even 5 years old boy are engaged in hazardous factories. What do we say? I am 20 years old, or do I say I am 20 year old? What will I say? I am 20 years old, or I'll say I am 20 year old. It is a pity that even 5 years old boys are engaged in hazardous factories. It is a pity that even 5 year will be the correct answer. Right? So the correct answer will be 5 year old boys is used correctly. Error lies in option number B. Okay? ईयर्स नहीं लगाते. जब भी हम कोई न्यूमरल एडजेक्टिव का यूज करते हैं, कार्डिनल नंबर्स का यूज करते हैं नाउन के पहले, तो नाउन हमेशा प्लूरल नहीं होना चाहिए, नाउन सिंगुलर हो जाते हैं. ठीक है, ये याद रखिएगा, नाउन सिंगुलर हो जाते हैं. अच्छा, हम क्या बोलते हैं, 1000 बोलते हैं, 1000 रुपीज, या हम बोलते हैं 1000 रुपीज. वी से 1000, राइट. तो यहाँ पे ये थाउजेंड वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, एस वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा. ओके, देयर लाइज इन ऑप्शन नंबर बी. आई गेव हिम 200 रुपीज नोट्स फॉर डिपॉजिटिंग. नो एरर. अगेन 200, 200 के नोट दिए, 200 एक ही नोट दिया. आई गेव हिम 200 रुपीज इज इनकरेक्ट. 200 रुपी नोट. When you know that you have given any particular thing and it is singular, you will always use it singularly. 10 rupee notes. Notes hai, wo hum notes ke through signify kar sakte hai, lekin kitne kitne ke notes hai? 200 ke notes hai, hai na? To 200 ke note hai, to notes ko aap plural kar do, lekin rupee ko aapko plural nahi karna hai, rupee will be singular. Okay, so the error lies in option number B. It is not my business to
given advice to those who are not sensible enough to deal with their own problems nowhere else. It is not my business to give an advice to those where does the error lie. जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए मैम एरर इस सेंटेंस में इस जगह पे है. लेट मी नो वेयर डज द एरर लाई. मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा ना अकेडमी पे. जरूर जाइएगा इस सेशन के बाद. ANCHAL टाइप कीजिएगा SINGH और अनअकेडमी पे फॉलो कर लीजिएगा. AN लाइव कोड यूज कर लीजिएगा और इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको इससे. The correct answer will be, it is not my business to give advice. क्या बोलते हैं? It is not my, I don't want to give advice, या I don't want to give an advice. We never use an. Generalized form में हम articles नहीं लगाते हैं. ठीक है? It is not my business to give advice to those who are not sensible enough to deal with their problems. Will be the correct answer. Next, I don't think it is your house. It is somebody. Oh, okay. Somebody else. यहाँ पे spelling error भी है. The correct answer will be, जब भी हम इस तरह के नाउन का यूज करते हैं जो nouns कंपाउंड nouns होते हैं ना, somebody भी है else भी है, दोनों ही नाउन है, तो हम सेकेंड एंड वर्ड के साथ, जैसे मदर इन लॉ अगर हम यूज करें कंपाउंडली कंपाउंड फॉर्म में मदर इन लॉ, तो अगर मुझे मदर इन लॉ का घर लगाना होगा तो मैं किसके साथ लगाऊंगी apostrophe? Yes, I will always go with the end word है ना. तो यहाँ पे भी जो लास्ट वाला वर्ड है विच इज somebody else के साथ apostrophe s का यूज होगा ताकि वो possession शो कर सके. सो द एरर इज इन ऑप्शन नंबर सी. शी मिसप्लेस्ड द स्पेक्टेकल्स. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका फॉर्म प्लूरल होता है, प्लूरल फॉर्म, यू सेड सिंगुलर एंड सो वर्ब इज ऑल्सो यूज सिंगुलरली, वर्ब ऑल्सो सिंगुलर, राइट? तो इनके फॉर्म प्लूरल होते हैं, मतलब इनके साथ सफिक्स एस हमेशा लगा होता है, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज नॉट स्पेक्टैकल, इट विल बी स्पेक्टैकल्स. जस्ट लाइक ट्राउजर्स, जस्ट लाइक शॉर्ट्स, जस्ट लाइक सिजर्स, राइट? वी मीन वन, है ना, वी मीन वन, बट इनके फॉर्म में एस है, इनके नाम में ही एस है. अब चार्ल्स के नाम में एस है तो उसको चार्ल तो नहीं बोलेंगे, उसको चार्ल्स बोलेंगे हमेशा, राइट? So the error is in option number A. Arabian Nights are a collection of very interesting episodes of adventure. Okay, now let's see. Arabian Nights here is a name of a series. Okay, Arabian Nights is a name of a series. So yahan pe nights mein S laga hua, that doesn't mean we are talking about many Arabian Nights. It means uske naam mein S laga hua hai. So jab aapke naam mein kisi book mein S laga ho, प्लूरल हो, प्लूरल फॉर्म, दैट डजंट मीन कि आपका वर्ब प्लूरल हो जाएगा. योर वर्ब विल बी सिंगुलर. अरेबियन नाइट्स इज अ कलेक्शन विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, द एरर इज इन ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट, आई होप टू विजिट माय अंकल ओनली नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग समर वेकेशंस. ड्यूरिंग समर वेकेशंस, अगेन व्हेन डू, व्हाट डू वी से, विंटर वेकेशन. Summer vacation or vacations. बहुत सारे तो नहीं मिलते एक साथ, एक ही मिलता है. And it is said vacation, not vacations, right? So the error lies in option number C, जहाँ पे S vacation में नहीं use होगा. It will just be summer vacation. Then that's it. Thank you for joining me in the session. Session को ढेर सारा like करिए और अगर ये session आपके लिए बहुत beneficial होगा तो session को share भी करिए और साथ ही चैनल को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन द सेशन. टेक केयर, गुड बाय.